टीम से बना मेरी तकलीफ सुनी आपने सुना कहीं मैंने उनकी कोई मैं क्रिटिसाइज किया मैंने उनको मैं तो कहती हूँ हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की जंग नहीं है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान की जंग है वजूद की जंग है हमारा वजूद ही मिट जाएगा अगर हम इस वक्त सोच समझ के ऐसी आवाज को पार्लियामेंट में नहीं भेजेंगे जो वहाँ हमारी बात ब्लॉक ऑफ करे और जहाँ तक लोगों का सवाल है मैंने तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं कांग्रेस के लोग हैं सीपीआईएम के लोग हैं जितने भी पार्टीज है मैं तो सबको दरखास्त करती हूँ कि मेरी मदद कीजिए पहाड़ी लोग गुजर लोग बकरवाल लोग सब कहते हैं कि हम इस बार जो है मुफ्ती साहब ने जो एहसान किए हैं जो मुश्किलात में उनका साथ दिया है राजौरी पुंछ में वो कहते हैं कि हम पीडीपी को वोट देंगे तो अब उसमें मैं क्या करूँ। देखिए जम्मू कश्मीर के लोग समझ रहे हैं इस बात को कि पार्लियामेंट किसी बिजली तो तार के लिए या पोल के लिए या किसी और मकसद के लिए नहीं होता है। आज जो जम्मू कश्मीर के हालात है ऐसे में पार्लियामेंट में ऐसी आवाज पहुंचानी है जो जम्मू कश्मीर में जो गुठन है जो लोग जो बिल्कुल लोग खामोश हो चुके हैं और जो लोगों के मुसीबतें हैं मुश्किलात हैं जो पकड़ दकड़ अभी भी चालू है जैसे आपने देखा यहाँ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिजबेहरा से अनंतनाग से शुपियन से लोगों की पकड़ दकड़ शुरू हो गई है तो कोई बात भी नहीं कर पाता है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग समझ गए हैं पार्लियामेंट में एक ऐसी आवाज आनी चाहिए जो बिना खौफ बिना डर वहाँ पर जम्मू कश्मीर के लोगों का हाल बयान कर सके। तो मेरा कोई वोट बैंक नहीं है हमने और मुफ्ती साहब ने राजौरी पुंछ में लोगों की बहुत खिदमत की है जब वहाँ लोग कोटा से टास्क फोर्स से इकवान से परेशान थे घर से बाहर नहीं निकल सकते थे तो मुफ्ती साहब ने उनको उस मुसीबत से आजाद किया मुगल रोड बनाया बाबा गुलाम शाह पातशाह यूनिवर्सिटी बनाई मेडिकल कॉलेज बनाए कॉलेजेस बनाए डीपीएस स्कूल बनाए सड़कें बनाई मतलब जितना काम पिछले 40 साल में नहीं हुआ था मुफ्ती साहब ने 3 साल किया रहबर तालीम टीचर हजारों की तादाद में क्योंकि जो गुजर बकरवाल पहाड़ी तबका जो इन जंगलों में रहता है उनकी तो बेचारों की कभी बारी ही नहीं आती थी तो इसलिए लोगों को उस चीज का एहसास है। मेरा ये मानना है कि बीजेपी बहुत घबराई हुई है इस इंडिया अलायंस से जिस तरह लोगों का सपोर्ट मिल रहा है इंडिया अलायंस को जिस तरह इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो है जिसमें वो कहते हैं 30 लाख नौकरियां देंगे जिसमें वो कहते हैं औरतों को 50% रिजर्वेशन देंगे किसानों के लिए वो बात कर रहे हैं उनको एमएसपी देंगे तो उसकी वजह से एनडीए घबराई हुई है और इंडिया अलायंस बहुत अच्छा काम कर रही है। बीजेपी कांग्रेस के मैनिफेस्टो को निशाना बना रही है इस बात को लेकर आप कैसे विचार कर रहे हैं? मैंने पहले ही कहा कि जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है 70 साल में पहली बार इतना अच्छा प्रो पीपल यानी जिसमें गरीबों की बात हुई है बेरोजगारों की बात हो रही है किसानों की बात हो रही है तो इतना अच्छा मैनिफेस्टो है उसी से घबरा के जो बीजेपी के लीडर है बहुत ही ज्यादा हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने वाले बयान देते हैं उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन का।